So our next numerical is previous year question from IIT 2016. Means two balls are thrown from ends of a moving cart जिसकी लेंथ 4 मीटर हमें गिवन है. इस क्वेश्चन में मैंने ये फिगर बनाया है रफली. और पूरा कार्ट, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से पूरा कार्ट एक्सेलरेट हो रहा है. फाइंड द टाइम व्हेन द टू बॉल्स मीट ईच अदर. सो हम इसको रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व कर सकते हैं. अगर मैं इसमें ऐसे लिखूँ velocity of A with respect to B, that is VAG minus V velocity of ball with respect to ground, VA is 0.2 minus 0.3, so 0.5 meter per second. So ye velocity of A with respect to B. जब भी हम ऐसे लिखते हैं कि वी ए बी, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने इस बी को रेस्ट में मान लिया. इसका मतलब क्या है कि हमने बी को रेस्ट में मान लिया, बी ऑब्जर्वर है. तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन ए ए बी ज़ीरो. अगर ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है, बिकॉज दोनों ही 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहे हैं. तो दोनों में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है. और एस ए बी 4 मीटर गिवन है. ये रहा, दो चीज़ कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, पहला टाइम एंड दूसरा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. कभी भी टाइम मतलब कभी भी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती. तो हमें क्या निकालना था, टाइम डी बाय वी, दैट इज 4 बाय 0.58 सेकेंड. ये आंसर है इसका. इसमें बस इम्पॉर्टेंट यही था कि कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगी इन दोनों के बीच. सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आईआईटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट कैपिटल एच, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द स्पीड यू. द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज एन टाइम्स टू दैट बाय इट टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट. देन फाइंड रिलेशन बिटवीन दीज टू. तो हम एक एक टावर मान लेते हैं, इसकी हाइट एच मान लेते हैं. यहाँ से ये बॉल जिसको हमने यू की स्पीड से ऊपर थ्रो किया, तो जब ये यू पूरा नीचे गिरेगा, मान लो कैपिटल टी टाइम लेगा ये, और यही यू ये बॉल थी जिसको हमने यू से ऊपर फेंका था, तो ऊपर जब वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी एट मैक्सिमम हाइट. तो इसको तो हम मैक्सिमम हाइट बोलेंगे ना. मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी ज़ीरो होती है, तभी तो वो रिटर्न करता है. तो जो यहाँ का टाइम है, लेट्स से स्मॉल टी और कैपिटल टी में रिलेशन क्या है, उसने ये कहा है कि जो कैपिटल टी है वो एन टाइम्स ऑफ स्मॉल टी है. तो हम पहले कैपिटल टी की हम इक्वेशन लिख लेते हैं. एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एस क्या है इसमें, एच माइनस एच. ये मेरे कंसेप्ट है कि कोई भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नीचे की चीज़ को माइनस मानेंगे, ऊपर की चीज़ को प्लस मानेंगे. यू ऊपर फेंका है तो यू इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ इंटू टेन टी स्क्वायर. माइनस इसलिए माना क्योंकि जी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो माइनस मान लिया. तो अब हम स्मॉल टी निकालते हैं. वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से. वी ऊपर जाके ज़ीरो जाना है, यू ऊपर फेंका था प्लस है, माइनस जी टी. तो जी टी इज इक्वल्स टू यू, तो टी आ जाना है यू बाय जी. इस टी को यहाँ पुट करते हैं. और हमारे पास है कैपिटल टी इज
NT, the capital T is NU by G. इस capital T is NU by G को यहाँ put करो, minus H is equals to U dot NU by G minus half, इसको G put कर देते हैं, और यहाँ N square U square by G square, एक G से एक G cancel, minus H is equals to N square U square by 2G minus N U square by G. Now LCM ले लो, तो LCM 2G, तो यहाँ पर 2GH, यहाँ पर यहाँ common क्या आ जाना है, N U square common, तो यहाँ पर हम minus H is equals to common ले लो, इसमें N common, U square common और G common, तो N U square by G common 1 by 2 minus N, यहाँ पर N by 1, तो इसको अंदर सॉल्व कर लो, N minus 2 by 2 बार N U square by G is equals to H, तो 2 H G is equals to N U square N minus 2, ये relation होगा दोनों के बीच, sorry, two H G is equals to N U square N minus 2, ये relation है. Question ने कहा था कि अगर हम from a tower of height H, ये रहा tower of height H, a particle is thrown vertically upward, हमने particle को ball मान लिया, with a speed U, हमने इस U से इसको throw किया था, the time taken by the particle to hit the ground is n times, तो हमने ग्राउंड को हिट करने का टाइम कैपिटल टी माना, इस n टाइम्स टू दैट बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट का टाइम हमने स्मॉल टी मान लिया, तो कैपिटल टी इज इक्वल्स टू एन टी, ये एक हमने इक्वेट कर, मतलब तो टी वी यू, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से हमने टी निकाल लिया, वाई यू बाय जी, तो कैपिटल टी इज एन यू बाय जी, हमने इसकी इक्वेशन लिखी, S is equals to UT plus half AT square, ये capital T होना चाहिए, capital T minus, इसको G ही रहने दो, capital T को NU by G लिखा, minus half G, N T square था, तो N square U square by G square common, G, एक G से एक G कट गया, minus H is equals to N square U square by 2G minus NU square by G, इसमें हमने कॉमन लिया n u square by g, अंदर बचा n by 2 minus 1, तो हमने अंदर LCM लिया, बाहर नीचे g2 को h के पास भेजा, और ये हो गया. थैंक यू.